मैंने 20 साल संविधान पढ़ाया है। जब मैं संविधान पढ़ा के घर लौटता था तो एक ख्याल मेरे मन में आता था कि जैसे संविधान मुझसे पूछता है और मैं संविधान को कहता हूं कि संविधान में जो जो लिखा है वो तो हमारे देश में होता ही नहीं है और जो देश में हो रहा है वो संविधान में कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। तो ये पीड़ा मुझे तोड़ती थी, मुझे दुखी करती थी। तो एक दिन मेरे सपने में संविधान आया और संविधान ने एक बयान दिया, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने कहा भी तो लाल किले से क्यों बोल रहा है? मैंने कहा संसद में कोई बोल ही नहीं रहा, वहां शोर चल रहा है तो मैं लाल किले की ओर निकल आया। मन से सुनिए, संविधान कितना पीड़ित है। भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। दुनिया में जहां जहां जिस संविधान में जो अच्छा था हम वो सब लेके आए, क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं, जानता हूं हमारे संविधान में कोई कमी नहीं है। पीड़ा समझिए कमी कहां है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का अभिवादन करता हूँ आपका, जिस मन से आप सुन रहे हैं, मैं पूरी बात आप तक पहुँचाऊंगा। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, मुझमें क्या था और बनाया क्या। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से शुरू होती है कविता। क्या क्या है संविधान में? सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का, भारत की जनता से संविधान संबोधित है, कभी नहीं बोल रहा, भारत का संविधान बोल रहा है। लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझमें लिखे उपचारों का, ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई, आज अहिंसा वनवासी है, कायरता के घर दासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है, क्या अपराधिक चलन किया है, क्या अपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल। बहुत संवेदनशील पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, श्वेता जी आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपके अनाउंस देखता रहता हूँ, आपके एंकरिंग देखता हूँ, और कई बार मुझे लगता है कि एक ज्वालामुखी आपके भीतर भी है, देश प्रेम राष्ट्र प्रेम कूट कूट के आपके भीतर भी भरा हुआ है, और कभी कभी आपकी टिप्पणियां हमारी कविताओं से बड़ी टिप्पणियां होती हैं। मेरा भी अपहरण किया है, मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, समर्थन मांगता हूं, आपको लगे संविधान इससे अधिक नहीं रो सकता। मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं,
अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। गुंडे गौरक्षक देखे हैं, गुंडे गौरक्षक देखे हैं, नेता